हिंद आप सभी साथियों को। जैसा कि मेरे हाथ में है ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो टेस्ट हुआ है उसका बुकलेट, और जो कल का टेस्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन है हिंदी के और जो जीएस के क्वेश्चन है, आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन था आपके बुकलेट का, पहला क्वेश्चन था किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो आपको बताना नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। तो सबसे पहले आप जानिए नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, पहले यही जान लीजिए आप, नालंदा विश्वविद्यालय ये आपके बिहार में है और बिहार के राजगीर में ये स्थित है। यहां पर पढ़ने के लिए ह्वेन सांग आया हुआ था, ह्वेन सांग पढ़ने के लिए आया था। और आपसे पूछ रहा नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कौन है, तो संस्थापक की बात करेंगे। आपके पहले ऑप्शन में देखिए, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ था कुमार गुप्त प्रथम, स्कंद गुप्त, समुद्र गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो इसका सही जवाब था वो था कुमार गुप्त, ऑप्शन ए सही था आपका, कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी पांचवी शताब्दी के आसपास हुआ था, और इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में आपका था कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पांचवी शताब्दी में। बात इसमें देखेंगे, एक और ऑप्शन मिलेगा चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंद गुप्त और समुद्र गुप्त। तो देखिए एक प्रश्न समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, इसे किसने कहा है भारत का नेपोलियन, तो बी सेंट स्मिथ इतिहासकार बीसेंट स्मिथ ने इसे क्या बोला था समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। देखिए दूसरा प्रश्न है आपके बुकलेट का, दूसरा प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार, आपको बुकलेट में नजर आ रहा होगा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, अब ऑप्शन दिया है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है, कि सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, कि सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, कि सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना एवं पालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसमें ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन ए जो है यही सही है। देखिए जैन धर्म पेट में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वहां से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे जैन धर्म से। देखिए ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के से, बौद्ध धर्म की महायान और औपचारिक, तीसरा प्रश्न है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई, क्योंकि आपको पता था कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ये महायान और हीनयान में बटा हुआ था, महायान हीनयान इन दो भागों में बट गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि जो महायान है वो औपचारिक रूप से किसके शासन काल में ज्यादा अस्तित्व में आई, प्रकट हुई जब ज्यादा समय में, किसके शासन काल में आई। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया अजात शत्रु में। देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है, अजात शत्रु को कहते हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। अशोक देखिए अशोक दिया हुआ है। अगला है सी वाला ऑप्शन धर्मपाल, और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो देखिए इसका जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का इस वाले प्रश्न, हाँ जी बौद्ध धर्म की बात करें, तीसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कनिष्क। वो कौन था, कनिष्क के समय में राजा जो था कनिष्क जिसे बोलते हैं कनिष्क या कनिष्क, इसी के समय में, यहाँ लिखा हुआ कनिष्क जबकि कनिष्क होना चाहिए था, कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से क्या हुई थी, शासन काल में ज्यादा
ज्यादा अस्तित्व में आई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। और राजा जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का राजा था, और कुषाण वंश का राजा था जो 78 ईस्वी के आसपास पैदा, जो 78 ईस्वी में पैदा हुआ था। 78 ईस्वी में राजा कनिष्क से ये कहा जाता कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा राजा कनिष्क था, और कनिष्क के द्वारा सबसे पहले क्या सोने के सिक्के चलवाए गए थे। तो आप ये भी जानते रहिएगा। तीन प्रश्न, चौथा प्रश्न आप देखिए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर पर क्या लगा दिया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तीसरा प्रश्न है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, तो ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बहलोल लोधी। और मुस्लिम शासक की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी है अकबर। तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, समाप्त किया था अकबर ने, किसने समाप्त किया था अकबर। आपका ऑप्शन डी जो आपके प्रश्न है वो चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब। तीर्थ यात्रा कर, देखिए तीर्थ यात्रा कर को अकबर इसलिए समाप्त करता है क्योंकि अकबर जो है हिंदुओं को, हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखाता है। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देगा, जजिया कर को समाप्त कर देगा, क्योंकि अकबर क्या था, अकबर हिंदुओं से क्या करता है, दोस्ती करता है, क्योंकि क्योंकि अकबर जो है ये चाहता था कि अगर हिंदू उसके फेवर में रहेंगे तो उसे शासन करने में बड़ी आसानी रहेगी। और इसी कारण से देखिए, जब आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर जो है हिंदू, हिंदुओं के साथ व्यवहार करता, और हिंदुओं, हिंदू के, हिंदू राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह किया हुआ है अकबर। तो अकबर ने सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। चौथा जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ डॉट डॉट के युद्ध में, उस युद्ध का नाम बताना है कि किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था। तो ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी है मुंगेर का युद्ध, और ऑप्शन डी है वांडीवास का युद्ध। तो सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ था वो पांचवें प्रश्न का आपका ए सही जवाब होगा, प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध। देखिए चार ऑप्शन दिया गया आपको, प्लासी का, बक्सर का, मुंगेर का, वांडीवास का। तो ए 23 जनवरी 1757 को हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जनवरी 1757 को हुआ था, किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था वर्सेज किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था जो बंगाल का नवाब था। ये इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में कौन हार जाता है, सिराजुद्दौला पराजित होता है, रॉबर्ट क्लाइव जीतता है इस युद्ध को 23 जनवरी 1757 को। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जो निष्क्रिय विरोध का, ये आपका छठा प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादन किया, ऑप्शन है आपका दिया महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका क्या है सही जवाब छठे का, अरविंद घोष ने किया, किसका, निष्क्रिय विरोध का के सिद्धांत का प्रतिपादन। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न कह रहा है गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था, निम्नलिखित में गदर पार्टी, ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है सोहन सिंह, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है पंडित काशीराम। तो देखेंगे इसका जो सही जवाब है आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी है सोहन सिंह के द्वारा गदर पार्टी, कौन सी पार्टी, गदर पार्टी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, इसके पहले सभापति थे, जो किया गया था 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था। प्रश्न था आपका गदर पार्टी का, तो गदर पार्टी के आप देख रहे हैं सोहन सिंह। और जो कनाडा और अमेरिका में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगाना, मतलब अंग्रेजों को यहां से हटाना, भारत से हटाना है, वहां के भारतीयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई, सोहन सिंह ने इसका जो है पहले सभापति किसके। अगला प्रश्न है देखेंगे, आठवां प्रश्न था, जी माफी चाहते हैं, आठवां प्रश्न है मुस्लिम लीग से,
कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है द्विराष्ट्र सिद्धांत, मतलब दो राष्ट्र बनेंगे, ये पहले से 1906 से क्लियर था, ऐसा कुछ नहीं था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ। सांप्रदायिक मतलब दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले, दो संप्रदाय में जो लोग बढ़ जाते हैं, वो ऐसा था, ऐसा भी कुछ नहीं था। कह रहा पाकिस्तान की मांग, ये तो बहुत बाद में की गई, ये 1906 की बात है। कह रहा उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रश्न में देखिए लिखा हुआ नहीं थी, कौन सी बात शामिल नहीं थी, तो कोई नहीं शामिल थी, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। नौवां प्रश्न देखिए, आप नौवां प्रश्न यहां लिख देते हैं, ये तो 1913 की बात थी। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। स्वराज पार्टी बनाने के लिए किसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, वो थे सी आर दास। ऑप्शन ए लिखा हुआ है सी आर दास, और यही सही जवाब है, सी आर दास थे ये इसका सही जवाब है। 1 जनवरी 1923 को सी आर दास के द्वारा किसका गठन किया जाता है, आपका स्वराज पार्टी का, जिसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास होते हैं, चितरंजन दास, ठीक है ना। ये है 1919 का, ये इसमें मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई थे, फिरोज शाह मेहता, आप देख पाएंगे नौवां प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रश्न। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ये है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ये असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, और ऑप्शन जो है डी है, ऑप्शन सी है गोलमेज आंदोलन, और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन डी। दसवें प्रश्न का, इसी का जो है गांधी इरविन समझौते में इसी का क्या किया जाना था, प्रस्तावित स्थगन किया जाना क्या था, प्रस्तावित था। प्रश्न 11 देखिए, 11 नंबर प्रश्न में कह रहा मलेशिया में किंडा घाटी, अब ये घाटी क्यों प्रसिद्ध है मलेशिया में, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए टिन उत्पादन, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, किसके लिए, टिन उत्पादन के लिए मलेशिया की क्या प्रसिद्ध है, किंटा घाटी। अगला प्रश्न देखिए 12वां, निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है, झीलों की वाटिका, ऑप्शन है फिनलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड या स्विट्जरलैंड। तो देखिए जो झीलों की वाटिका कहा जाता है 12वां प्रश्न में, झीलों की वाटिका ये कहा जाता है फिनलैंड को, वाटिका ये किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। और फिनलैंड से एक प्रश्न और है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली जो खुशहाली सूचकांक है उसमें फिनलैंड का स्थान क्या है, पहला स्थान है, पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड। तो आप ये एक प्रश्न इससे भी ये भी है कि झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है, यहां से आप देख सकते हैं, और दूसरा ये करंट का है कि वर्ल्ड 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड का स्थान कहां है, शीर्ष पर है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न, या यूं समझिए कि 13वां नंबर का प्रश्न बिल्कुल सस्ता प्रश्न है, 2 मिनट में अगर मैगी बन सकती है तो 2 सेकंड लगेगा इस प्रश्न को हल करने में। प्रश्न है बिहार का शोक, अब बिहार का शोक ना कह करके लिखा है बिहार की दुख, और नदी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये तो हर किसी को पता होगा, चलो कमेंट में इसका जो है जवाब आप दे दो। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ऑप्शन भी सुन लो, ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है चंबल, और ऑप्शन डी है कोसी। तो हर किसी को पता कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है शोक, क्योंकि ये जो है हमेशा हर बार इसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता है बिहार में, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है, बड़ी समस्या होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त, और ये हमेशा मार्ग भी बदल दिया करती है, इसी कारण से बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। और ऑप्शन इसमें देखिए ए दिया है नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, और जो खंबात की खाड़ी से होते हुए भड़ोच होते हुए खंबात की खाड़ी से ये गिर जाती है आपके कहां पर, अरब सागर में।
अगली नदी है महानदी। महानदी जो है उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है, और एक इंपॉर्टेंट नदी ऑप्शन सी में दिया हुआ है चंबल। चंबल से आप दो चीजें याद रखिएगा, पहला कि ये नालीदार अपरदन के लिए प्रसिद्ध है, नालीदार अपरदन के लिए। नालीदार अपरदन का सीधा सीधा मतलब होता है बीहड़। यह नदी क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, अर्थात नालीदार कहें जैसे होता है कि यहां से अगर यहां से नदी होकर के बह रही थी इतनी गहराई में, यहां बहुत ज्यादा गहराई के साथ बह जाएगी और ऊपर वाला ये भाग बिल्कुल समतल, इधर से फिर तो बीच बीच में नालीदार अपरदन होता है जिसे बीहड़ कहते हैं। ये नदी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध। और दूसरी बात है, इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, जो घड़ियाल के संरक्षण देने के लिए इस नदी या नदी और भी जो है प्रसिद्ध है, चंबल नदी जो कि सहायक नदी है, किसकी, आपके यमुना की सहायक नदी बन जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में होकर के मध्य प्रदेश से ये भी बहती है। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। गारो खासी पर्वत श्रेणी 13-14। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, गारो खासी पर्वत श्रेणी के लिए पूछा गया है, ए उड़ीसा, बी मेघालय, सी मिजोरम, और डी जो दिया गया है वो सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है मेघालय। मेघालय में क्या है, गारो खासी। गारो खासी और एक और दिया जाता है कभी कभी जयंतियां, ये पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसी कारण से मेघालय में ये मेघालय इसका सही जवाब होगा। और जानिएगा कि यहां पर जनजातियां भी ये तीन पाई जाती हैं गारो खासी की। तो इसका सही जवाब मेघालय। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, अर्थात दो राज्यों की मिली हुई परियोजना है। ऑप्शन ए है बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। यह आपकी कौन सी, गंडक परियोजना। इस तरीके से 15 प्रश्न आपने आपने देखा, अभी 16वां प्रश्न है बजट। कह रहा बजट कैसा शब्द है, 16 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि बजट कैसा शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है कि ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, और ऑप्शन जो डी दिया गया है वो जर्मन। तो जो बजट शब्द है वो है आपका फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्द है। और बजट का जो शाब्दिक अर्थ है धनों का, धन से लिया गया है, तो ये फ्रेंच शब्द है बजट, या अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है बजट। और कभी कभी एक प्रश्न और आता है अर्थव्यवस्था से, आपको आप अभी जो है आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, तो उसमें आया था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक विश्वेश्वरैया, ये भी आपको बताया गया है। और कुछ अभी पंचवर्षीय योजना से भी एक आध प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ये आपका ऑप्शन सी सही है 16 का। प्रश्न नंबर 17, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। देखिए हमने आपको जैसे कहा कि अभी पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि इसमें जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी स्थापना हुई थी, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की जो है स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 18 भी अर्थव्यवस्था से ही प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से ही प्रश्न है। कौन सा वक्र का मतलब वो ग्राफ मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी के संबंध के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है फिलिप्स वक्र, ऑप्शन बी है लॉरेंज वक्र, ऑप्शन सी है लाफर वक्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का ए सही है, सही जवाब ए है फिलिप्स वक्र जो है ये ग्राफ है जो दोनों के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है, किसमें, एक मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी। अगर मुद्रा स्फीति ऊपर की तरफ है तो बेरोजगारी इसके विपरीत। तो कहने का मतलब क्या, एक में एक जो है एक वो वक्र दिखाता, क्या कहते हैं आप ये मध्य विपरीत, दोनों के बीच में कैसा विपरीत वक्र को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही है 18 का। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न में दिया गया है हवाला क्या है। इस तरीके के प्रश्न यूपीपी में भी देखने को मिलता है, जैसे एक प्रश्न मिला था अधिकांशता मिलता था इग्लू क्या है, और एक प्रश्न और आपको देखने को मिला था कि एगमार्क किसे कहते हैं, इस तरीके का प्रश्न मिलता है। देखिए कह रहा हवाला क्या है, ऑप्शन है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कर वंचन, ऑप्शन सी शेयरों का अवैध व्यापार,
ऑप्शन डी है किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो जो हवाला है वो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, जो विदेशी मुद्राएं होती हैं, विदेशी मुद्रा का ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, अवैध कारोबार ही क्या कहलाता है, हवाला कहलाता है, जो है अवैध तरीके से जो विदेशी मुद्राएं हैं उनको, उनका अगर उपयोग किया जा रहा है, उनसे कारोबार किया जा रहा है, तो उसे एक लाइन में क्या कहते हैं, उसे हवाला कहते हैं। आप समझ रहे होंगे एक लाइन वाली बात। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए घाट, असीमित घाटे की व्यवस्था। ऑप्शन बी है अनुत्पादक व्यय की कटौती ना करना। ऑप्शन सी है नए कार्यक्रम का मूल्यांकन ना करना। और ऑप्शन डी है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, जो शून्य आधारित बजट का अर्थ पूछा जा रहा है, इसका मतलब है हर बार क्या करना, हर बार बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, नए सिरे से बजट को तैयार करना, यही क्या कहलाता है, शून्य, शून्य आधारित बजट तैयार करना। ऑप्शन इसका क्या है, ए सही, सॉरी डी सही है। अगला प्रश्न, संविधान से कि हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन या किस नाम या नामों से किया गया है। तो भारत का उल्लेख किस नाम से किया गया, राष्ट्र का उल्लेख, तो कह रहा भारत तथा इंडिया, कह रहा केवल भारत, सी वाला कह रहा हिंदुस्तान तथा इंडिया, और ऑप्शन डी में लिखा गया भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो प्रश्न 21 का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत तथा, भारत तथा इंडिया, इसका क्या है सही जवाब। ये संविधान जैसे ही आप बोलेंगे भारत अर्थात इंडिया, राष्ट्रों का संघ है, ये सबसे पहले लिखा गया। अगला है प्रश्न नंबर 22, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का चुनाव पूछा जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, वो भी पहला वाला, पहला चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है 1949, 1952, 1950 और 1954। तो जो सही जवाब है वो है 1952 में, पहला आम चुनाव, लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो भारत की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो पावर है, वो किसमें होती है। ऑप्शन दिया केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों में, अथवा स्थानीय शासन में। तो जो 23 का सही जवाब है वो है आपका केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में जो है भारत की पूरी पावर होती है, केंद्र सरकार के पास ही जो है पूरी पावर होती है, पूरी शक्तियां होती है, इसलिए 23 का जो है आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चौथा है किस स्तर पर, किस स्तर का गठन, 24 नंबर प्रश्न है, किस स्तर का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है। ये देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है ये पूछा जा रहा है, राजस्व से संबंधित प्रश्न है, राजस्व संग्रहण हेतु जो है विशेष किस स्तर का गठन किया गया है। तो जो वो होता है तहसील, उसमें ऑप्शन आपका सी सही है, तहसील। देखिए संग्रहण का मतलब जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो होते जरूर आपके पटवारी या लेखपाल के पास, मगर उसका, उसको रखने का जो वो है तीसरा स्तर, तीन स्तरीय जैसे पंचायती राज व्यवस्था, उसी में देखिए कि जो तीसरा स्तर है वो तहसील, तहसील में ही राजस्व संग्रहण हेतु इस स्तर का गठन किया गया है। ये आपका 24 का ऑप्शन क्या है, सी सही, तहसील। ऑप्शन देखेंगे 25, अभी आपको परसों पढ़ाया गया था, परसों वाली क्लास में यह बताया गया था कि ऑफलाइन वाली क्लास में, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था। 25वां प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन ए है अक्टूबर 1959 राजस्थान, दिसंबर 1962 गुजरात, जनवरी 1965 महाराष्ट्र, अक्टूबर 1955 आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो सही जवाब है, हमने बताया था आपको, जबकि इसमें डेट भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के का शुभारंभ किया गया, और फिर राजस्थान का जो जिला था नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में इसका क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और देखिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से होती है, जो डेट एग्जैक्ट डेट है वो 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में भौतिक राशियां दी हुई है और सूची दो में दिया हुआ इकाई उसका मात्रक। देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं कूट मिलान वाले, जो
ए में दिया है त्वरण और उसके सामने लिखा गया है जूल, अर्थात यहाँ राशि है यहाँ उसका मात्रक। अब त्वरण का जो मात्रक होता है देखिए वो होता मीटर प्रति सेकंड, ए का चौथा। तो आप देखिए ए में ऑप्शन ए में कौन से में चौथा वाला दिया गया है ये कूट, तो देखिए डी वाले ऑप्शन में आपका सही जा रहा है कि ए में ए का कौन सा चौथा जा रहा। बल का मात्रक कह रहा है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये बी में लिखा गया जबकि न्यूटन तीसरे में लिखा गया, ये तीन से मिल जाएगा। कार्य का मात्रक कह रहा है, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ये ऑप्शन मतलब ये पहले वाले में लिखा गया, ये सी में है वो पहले में, तो सी को पहले से मिला दीजिएगा। और डी जो है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये दूसरे में लिखा गया, डी को आप दो से मिला दीजिए। इस तरीके से जो प्रश्न नंबर आपका 26 है, 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करेंगे, देखिए 27 क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए कि ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके, ये इस तरीके के कई प्रश्न मिलेंगे आपको देखने के लिए। यहां क्रिकेट की गेंद कह रहा है या इसकी जगह आप ये कह सकता है कि किसी पत्थर के टुकड़े को किस जो है कोण पे फेंकना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी प्राप्त करे, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाए। अब यह क्रिकेट की गेंद को कह रहा है मतलब आप किस कोण पे मारेंगे, गेंद जो है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन को पार करके जाए। तो इसके लिए सीधी सीधी बात है कि आप जब भी इस तरीके का प्रश्न आए आप जानिएगा प्रश्न नंबर 27 में यहां ऑप्शन दिया हुआ है एक 36 कोण 60 अंश पे, 36 से 45 अंश के कोण पर, 36 से 30 अंश के कोण पर और 36 से 150 अंश के कोण पर। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी आए तो आप जानिएगा अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए हम 45 अंश के कोण पर जब भी किसी पत्थर को फेंकते हैं या किसी क्रिकेट की गेंद को, जैसे जेवलिन थ्रो वो क्या कहते हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक, आपको पता होगा कि जब भी देखिए अधिकतम दूरी प्राप्त करना हो तो वहां किस उसे भाला को किस एंगल पर ऐसे फेंकना चाहिए, आप 36 पे है, 36 पे है और ये आपका जो आप यहां है आपका जो हाथ है ये 36 से कितने अंश का कोण, अगर इसको पीछे किया जाए और हाथ को एक सीधी रेखा मानते हैं ऐसे पीछे किया जाए तो ये जो एंगल आपका बनता है, अगर यहां मिला जाए इनके बीच 45 अंश का अगर कोण बन रहा है तो वो जो भाला है वो अधिकतम दूरी तय करेगा। और देखिए कि आपको पता भी होगा कि गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध है नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब जीवाश्म ईंधन जो जीव जंतुओं से प्राप्त ना हो वही ईंधन क्या है, जीवाश्म वो जीवाश्म ईंधन होते हैं और जो नहीं प्राप्त होता वही जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला आपको पता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे ऐसा माना गया कि जो है भूकंप हुआ, हलचल हुआ, ज्वालामुखी हुआ, पूरे का पूरे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और इस तरीके से इसमें दिया है ऑप्शन है कोयला तो बिल्कुल है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम कोयला के खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त होता है, पेट्रोलियम भी जलवाश्म ईंधन है, कह रहा है नाइट्रोजन, यही आपका ऑप्शन क्या प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिये नाइट्रोजन से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है साइंस में, सबसे पहले तो आप जानेंगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो वो है आपका नाइट्रोजन। अब अगर पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और इसको भी आप वैसे भी जान सकते हैं गांव देहात से भाई हम लोग आते हैं तो हमको पता है कि यूरिया आता है, यूरिया का सूत्र है आपको पता है NH2CO NH2 यूरिया, इसी ये यूरिया का सूत्र है और यूरिया के बोरी के ऊपर साफ साफ लिखा होता है N 78%, N मतलब नाइट्रोजन 78%। और दूसरी चीज यूरिया से एक प्रश्न हो भी यह भी पूछा जाता है कि बताइए प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है NH2CO NH2। इसे बनाया था बोहलर ने, एक वैज्ञानिक थे बोहलर महोदय, उनके द्वारा इसको बनाया गया था प्रयोगशाला में पहली बार बनने वाला पहला जो है ये कार्बनिक पदार्थ था। प्रश्न नंबर देखिए 29, एक रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं प्लूटोनियम रेडियम थोरियम और यूरेनियम। तो देखिए जो सबसे प्रश्न नंबर 29 है भारत में पाया जाने वाला जो रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका भंडार भारत में पाया जाता है वो है आपका थोरियम। थोरियम इसका सही जवाब है, थोरियम इसका सही जवाब है और ये आपका ऑप्शन 29 का ऑप्शन सी सही है, 29 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 30 देखिए कह रहा साइनोकोबालामिन, हम कहते हैं भैया हम तो अंग्रेजी नहीं आता, साइनोकोबालामिन इसमें विटामिन पूछ रहा है, साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 होता है विटामिन बी 12 लोग कहेंगे भैया लेकिन हम B12 बोलते हैं, विटामिन सी विटामिन B2 विटामिन B6 विटामिन B12। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन B12, यही इसी को क्या कहा जाता है साइनोकोबालामिन।
31 नंबर प्रश्न आप मुकेश सर से क्लियर करवाइएगा, ये है आपका मैथ 31, 32, 33, 34, 35 और 36 नंबर प्रश्न है जी, हिंदी का प्रश्न है। आइए हिंदी का प्रश्न करते हैं।